Hey, what's up guys, welcome back to my Tech KV channel। तो आज हम बात करने वाले हैं जियो के ट्रू 5G के बारे में। तो बॉस, इसकी जो स्पीड है ना, बहुत फाड़ है। मेरे घर पे ब्रॉडबैंड लगा हुआ है 100 Mbps का, और जियो ट्रू 5G की स्पीड उससे 10x है, 10 गुना ज़्यादा है। आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे, बहुत तगड़ा चलता है, मतलब बहुत भयंकर स्पीड है। डाउनलोडिंग की, अपलोडिंग की इतनी अच्छी स्पीड नहीं है, लेकिन डाउनलोडिंग की स्पीड बहुत फाड़ है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें जियो ट्रू 5G में अच्छी हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, आपको बताने वाला हूँ। और जियो ट्रू 5G सेटअप करना बहुत इजी है, आपको बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर मिल जाएंगे। तो सेम इन्फॉर्मेशन मैं रिपीट नहीं करना चाह रहा था, आप देख लीजिएगा। लेकिन यदि आप फिर भी जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन नंबर पहले हम बात करेंगे, फर्स्ट वाली रिस्ट्रिक्शन की, जो कि है हॉटस्पॉट। यदि आपके फ़ोन में चल रहा है 5G और यदि आप हॉटस्पॉट बनाते हो और शेयर करते हो अपने फ्रेंड के साथ, तो बॉस आपके फ्रेंड के डिवाइस में स्पीड नहीं आएगी, भले ही आपके डिवाइस पर 5G चल रहा होगा। तो ये रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आपका जो डिवाइस है वो 5G कंपैटिबल है, उसमें 5G चल भी रहा है, लेकिन आप हॉटस्पॉट पर आगे इंटरनेट शेयर नहीं कर सकते हो, ठीक है। और एक और चीज़ गाइज, मैंने आपको बता देता हूँ, एक ये प्लस पॉइंट है कि यदि आप चाहते हो कि अपना मोबाइल डिवाइस आपका जो 5G कंपैटिबल है, उसमें आप बहुत अच्छा इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, 5G का एक्सेस आपको मिल गया है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट वाला, तो आप टीथरिंग के थ्रू कनेक्ट करिए, जो USB टीथरिंग होती है, आप केबल कनेक्ट करिए अपने फ़ोन के साथ और लैपटॉप के साथ कनेक्ट करिए, तो आप लैपटॉप में भी 5G यूज़ कर पाओगे, ठीक है। तो आपके फ़ोन में 5G चल रहा होगा, आपके लैपटॉप में 5G चल रहा होगा, तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी कि आप दो डिवाइस में 5G यूज़ कर पाओगे, ठीक है। बट यदि आपने हॉटस्पॉट से कोशिश करी तो वो नहीं चलेगा, ओके। अब एक चीज़ और मैंने ट्राई करी थी, मैंने सोचा कि यार USB टीथरिंग के थ्रू लैपटॉप में तो 5G चल रहा है, तो क्यों ना मैं अब लैपटॉप में हॉटस्पॉट बनाऊँ और उसके थ्रू बाकी डिवाइसेस को कनेक्ट करूँ। बट जियो बहुत स्मार्ट है और ये एक्सपेरिमेंट मेरा फेल हो गया, तो ऐसा नहीं होगा। तो आप हॉटस्पॉट कहीं भी बनाओ, उसके थ्रू आप इंटरनेट किसी और डिवाइस को दे ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो उसके लिए आप USB टीथरिंग यूज़ कर लो अपने 5G डिवाइस से, आप लैपटॉप कनेक्ट कर लो USB टीथरिंग के थ्रू, और आप 5G एक्सेस वहाँ पे कर पाओगे, ठीक है। तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है अभी तक। यदि आपके कुछ और ऑब्जर्वेशन है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। यदि आप मल्टीपल डिवाइसेस पे ट्रू 5G अनलिमिटेड यूज़ कर पा रहे हो तो कैसे कर पा रहे हो, तो मेरे को भी बताना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है मैंने आपको बता दिया है। और बस ये मैंने आपको कंक्लूड कर दिया, क्लैरिटी आपको दे दी, और आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत है नहीं। और यदि आप कोई डाउट मेरे से पूछना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करो, सब्सक्राइब करो, और ऐसी क्लैरिटी वाली वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। चलिए गाइस, टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।